जनसुनवाई में पहुंचे वनस्थली पेट्रोल पंप के मैनेजर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भेजी गई बसों और डीजल का मांगा भुगतान। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में वनस्थली पेट्रोल पंप के मैनेजर नरेंद्र कुमार बंसल पहुंचे। एक आवेदन के माध्यम से उन्होंने अधिकारियों को बताया कि 2017 में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए 25 गाड़ियों के लिए डीजल दिया था, इसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ। मैनेजर ने बताया कि उन्हें 1,25,000 का भुगतान होना है लेकिन भुगतान नहीं हुआ। मैं कार्यवाही के लगातार चक्कर काट रहा हूं, सुनवाई नहीं हुई। नरेंद्र ने कहा कि कोई हल नहीं निकला। मैनेजर नरेंद्र ने बताया कि अन्य ट्रेवल्स वालों का भी लगभग काफी ज्यादा रुपए शेष है, वो भी अभी तक नहीं किया गया और ये राशि 9,00,000 के आसपास है। मामले को लेकर जल्द भुगतान कराए जाने की मांग उन्होंने की है। नरेंद्र कुमार बंसल, वनस्थली पेट्रोल पंप मैनेजर हूँ मैं। क्या परेशानी है जनसुनवाई में आई? मैंने 2017 में मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए 25 गाड़ियों में डीजल दिया था, जिसका पेमेंट आज दिनांक तक नहीं हुआ। 1,25,000 रुपये मुझे पेमेंट लेना है और मैं बराबर चक्कर काट रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 10,70,000 1,25,000 गिरिराज पंप का है, बसों वालों का है, ऐसे मिला के 10,70,000 रुपये है। कल कब का है ये? 2017 का। कहाँ प्रोग्राम हुआ था? राजगढ़। किसके आदेश से आपने पेट्रोल डाला? खाद्य अधिकारी प्रजापति के आदेश पर, मौखिक आदेश दिया था उनने मुझे। आज दिनांक तक पेमेंट नहीं हुआ। मैं चक्कर लगा रहा हूँ, जनसुनवाई में भी दिया, 181 पर भी मैंने कंप्लेंट कर रखी है, कोई निराकरण नहीं है, ना कोई जवाबदार है जो जिससे मैं बात करूं। पटेल साहब के पास जाता हूं, वो कहते हैं कि जिला पंचायत से होगा, जिला पंचायत वाले कहते हैं कहीं से होगा, परिवहन विभाग से होगा। इसमें हमारी क्या गलती है? अब हम लोगों की क्या गलती है? हमने डीजल दिया है।